क्या दोस्तों आप भी स्नैपचैट की नोटिफिकेशन को बंद करना चाहते हो? क्या आपको नहीं पता कि स्नैपचैट की नोटिफिकेशन को कैसे बंद किया जाता है? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे स्नैपचैट की नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों स्नैपचैट की नोटिफिकेशन को बंद करने के लिए सबसे पहले आपको स्नैपचैट के ऐप को ओपन करना पड़ेगा। तो ये रहा स्नैपचैट का ऐप, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। स्नैपचैट के ऐप के ऊपर क्लिक कर देने के बाद अभी हमारा स्नैपचैट ऐप ओपन हो चुका है। स्नैपचैट ऐप ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर एक पर्सन का आइकॉन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देंगे। पर्सन के आइकॉन पे क्लिक कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ऊपर एक सेटिंग का आइकॉन मिलेगा, तो आपको इधर सेटिंग के आइकॉन पे क्लिक कर देना है। सेटिंग के आइकॉन पे क्लिक कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सिंपल से इधर नोटिफिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नोटिफिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। और दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा इनेबल नोटिफिकेशन का, और उसके नीचे आपको और ऑप्शन मिलेंगे जिसमें आपको अदर नोटिफिकेशंस का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि मेमोरीज, मेंशन, फ्रेंड सजेशन, ट्रेंडिंग पब्लिक कंटेंट, स्टोरी फ्रॉम फ्रेंड, ऐसे आपको ऑप्शन मिलेंगे। अगर दोस्तों आप इन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का नोटिफिकेशन ऑफ करना चाहते हो तो आपको उसके आगे जो टिक लगा है उसे हटाना पड़ेगा। अभी समझो मुझे सजेशन फ्रेंड का ये नोटिफिकेशन हटाना है, क्योंकि मुझे बहुत सारे सजेशन में आते हैं फ्रेंड्स और मुझे नहीं चाहिए वो नोटिफिकेशन, तो आपको यहाँ पर फ्रेंड सजेशन का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद आपका ये टिक हट जाएगा और आपको फ्रेंड सजेशन का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर दोस्तों इन केस आपको सभी नोटिफिकेशन को हटाना है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल से इनेबल नोटिफिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इनेबल नोटिफिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों अभी आपको स्नैपचैट में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों इस तरह से आप स्नैपचैट के नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हो।